हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक ओल्ड मॉडल की वीडियो लेके आया हूँ जो स्लो सेट के लिए, हालांकि वो पापा गाड़ी कर रहे हैं उसको, तो वीडियो मैंने बना ली है, तो मैंने उसका वॉइस ओवर करा है। तो आप सबको बताना चाहूँगा मैं कि ओल्ड मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारी टैपर्ड नॉइस की आवाज़ आती है उसमें, तो कई लोग उस आवाज़ को बंद कराने के लिए टैपर टाइट कर लेते हैं जिससे कि हमारे वॉल सही तरीके से बंद नहीं हो पाते, तो उसमें या तो मिस फायर की दिक्कत आने लग जाती है या तो गाड़ी जितनी भी स्लो करना चाहे तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो उसके जो वॉल होते हैं तो वो हमारे मैनुअल होते हैं, हमारे जो न्यू मॉडल वाली गाड़ियाँ हैं उसमें हमारे हाइड्रोलिक हैं, तो ओल्ड मॉडल में ये होता है कि वो मैनुअल तरीके से एडजस्ट होते हैं, बट कई लोग उसे पूरा कर पूरा टाइट करवा देते हैं जिससे कि गाड़ी स्लो में तो स्टार्ट होती नहीं है, आरपीएम हाई होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा चलाने में। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि जो हमारा कार्बेटर था उसमें कितना सारा स्लश था, तो आप वीडियो में देखेंगे वो थोड़ा सा आगे चल के। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आई होप सो आप कमेंट्स करके मेरे को बताएंगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो कि नहीं, तो वीडियो देखें और आई होप आपको सबको ये पता लग जाएगा कि ओल्ड मॉडल में टैपर्ड कभी भी फुल टाइट नहीं कराने चाहिए जब तक वो अपने आप बैठ ना जाए, क्योंकि जितने हिसाब से उस पर एक हिसाब की चोट पड़ रही होती है तो वो चोट अपने आप पड़ पड़ के वो बैठ जाते हैं वॉल हमारे। कभी होगा तो मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि वो किस हिसाब से बैठते हैं, ग्राइंड कैसे होते हैं वॉल। तो अभी के लिए ये वीडियो देखें और शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने कार्बेटर पूरा बुलेट से बाहर निकाल लिया हुआ है। इसमें दिक्कत थी थोड़ी सी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कत थी। और ये जो हमारा नीचे का टैंक होता है इसका, कार्बेटर का, वो हम खोल रहे हैं जो चार पेच के साथ लगा होता है। तो ये आप देख सकते हैं ओवर से भी पेट्रोल निकल रहा है जो ओवरफ्लो का, या आप ब्लैक ब्लैक स्लश देख सकते हैं। ये सारा हमारा ये स्लश कार्बेटर में जमा हो रखा था जिससे कि स्लो सेट नहीं हो रही थी गाड़ी हमारी। और इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या था। हमारा बुलेट में दो वॉल होते हैं, तो एक वॉल लीक हो गया हुआ था इसका, तो जिसके कारण ये हल्की मिस फायर मार रही थी बहुत ज़्यादा। तो किसी ने इसके टैपर टाइट कर दिए हुए थे जिससे गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही थी, तो इसलिए हम इसका कार्बेटर वॉश कर रहे हैं। खोल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने जेट होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमने अभी स्लो जेट खोला है, ये आपको दिखाते हैं कितना गंदा हो रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये सारा स्लश से जमा हो रखा है, ये पूरा हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो हम कार्बेटर पहले पूरा साफ़ कर लेते हैं। कार्बेटर की भी आप हालत देख सकते हैं कितना उस पर मर्ड जमा हो रखा है ऑयल के साथ मिक्स होके। तो ये आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है, इसको मिक्सचर को भी हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी पेट्रोल का पूरा फ्लो जाना चाहिए जिससे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम करते हैं एयर मिक्सचर बनाने में। तो अब इसे हम अच्छी तरह पूरा वॉश कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें वॉश करके कि कौन सा जेट क्या काम करता है।
कैप्सूल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक जेट लगता है जो स्लाइड के नीचे होता है एकदम। तो उसे भी अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। अब ये फुल पूरे टाइट होते हैं जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि अगर ये कभी कभार कई गाड़ियों में खुल भी जाते हैं अगर लूज़ रहते हैं तो। सो गाइस अब हम एयर मिक्सचर का इसका नट लगाने वाले हैं। तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि स्प्रिंग होता है एक छोटा सा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसके लिए। तो अब आप देख सकते हैं ये एयर मिक्सचर का पेच लगा रहे हैं हम, जो हमें ज़्यादा डेढ़ चूड़ी, हम मैक्स टू मैक्स डेढ़ चूड़ी जिसे बोलते हैं, हमें इसे लूज़ करके रखना पड़ता। तो गाइज़ अब हम इसमें निडल लगाने वाले हैं। ये निडल हमारे कार्बेटर में सिर्फ जो हमारा पेट्रोल होता है वो उतना ही लेती है जितना उसे फ्लूट के कारण, ये फ्लूट जैसे आपने देखा वही टैंक में भी लगा होता है हमारे घर की, अगर टैंक ही भर जाती है तो फ्लूट ओवरफ्लो होने नहीं देता, तो ये इसे स्टॉप कर लेता है। निडल का काम यही होता है। तो हम इसकी अब निडल भी लगा चुके हैं और फ्लूट भी लगा चुके हैं। इसमें एक पेन होती है, वो देख सकते हैं आप कैसे डल रही है। इसमें कोई पेच वगैरह नहीं होता, तो निडल सिर्फ हमारे को हेल्प करती है फ्लूट को चलाने के लिए। आप देख सकते हैं फ्लूट कैसे चल रही है, हल्की ही सी चलती है। और हम इसमें न्यू पैकिंग लगा देते हैं अब, और इसे अब फटाफट से पैक कर लेते हैं, फिर गाड़ी की स्लो पे चलते हैं इंस्टॉल करने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस देख सकते हैं हमारा कार्बोरेटर पूरा असेंबल हो चुका है। तो अब हम इसकी निडल और स्लाइड वगैरह जो स्प्रिंग के साथ है वो हम लगा के इंस्टॉल कर लेते हैं इसको जल्दी से, फिर आपको इसकी स्लो दिखाते हैं, फिर आप खुद देखने इसकी गाड़ी कितनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी और वन किक में स्टार्ट होने लग जाएगी, जिससे कि ज़्यादा की दिक्कत नहीं आएगी और हल्की सी टिक टिक की नॉइज़ आएगी, कि वो इसलिए होगी क्योंकि हमने टैपर्ड इसका जो इनलेट का टैपर्ड होगा वो थोड़ा सा हमने इसको लूज़ छोड़ा है, क्योंकि इसके वॉल थोड़े से लूज़ इसलिए छोड़े हैं क्योंकि इसका कंप्रेशर पूरा बन नहीं रहा था, अगर स्लो पे गाड़ी रुक नहीं रही थी तो, अगर उस कारण वही था इसका कि अगर वॉल हमारे लीक हो जाते हैं तो स्लो पे गाड़ी रुकती नहीं है। वो इसीलिए ही हुआ, किसी ने इसका जो टैपर्ड था वो टाइट कर दिया हुआ था, तो वो पूरा कंप्रेशर बना नहीं पा रहा था, तो वो हल्का सा खुला रह जाता था, तो हमने उसे हल्का सा लूज छोड़ा है। तो अब जल्दी से अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपको स्लो दिखाते हैं।